हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सबका। टीम सॉरी में बात करने वाले हैं अपना जो आज का मैच रहेगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेज श्रीलंका के बीच में। क्या कुछ देखो इस मैच के रिलेटेड न्यूज़ है, क्योंकि दूसरी टीम का तो कप्तान ही बाहर हो गया, तो नया कप्तान है। और बाकी ऑस्ट्रेलिया बॉटम ऑफ द टेबल में, जो कि आपको ऐसे नज़ारे हैं जो भाई जनरली देखने को नहीं मिलते, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया को यहाँ से स्टेप अप करना पड़ेगा और उनको जीतना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा पॉइंट्स टेबल में ऊपर आए, वरना अभी के लिए बिल्कुल बॉटम ऑफ द टेबल में पहुंच चुके हैं। अब क्या कुछ प्रेडिक्शंस रहेगी, क्या अपनी जो टीम बनकर आती है, कौन से प्लेयर ऑस्ट्रेलिया से लेने हैं, कौन से लेने हैं श्रीलंकन टीम से, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहना मेरे साथ में एंड सब चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो देखोगे तो फ़ायदा मिलेगा, तो आखिर तक देखना, बिल्कुल ही आपको स्किप नहीं करना है। और साथ साथ एक ज़बरदस्त फैंटेसी में बोलूँगा, पहली बार आपके लिए एक ज़बरदस्त ऑफर भी है कि भाई कॉन्टेस्ट भी आप ही ज्वाइन करोगे और हारो या जीतो पैसा भी आपको ही मिलेगा, ठीक है। समझ रहे हो, हारो या जीतो आपके वॉलेट में पैसा आने वाला है। वो कैसे, वीडियो आगे देखते रहो, आपको पता चल जाएंगी सारी चीज़ें, आगे बताऊंगा तब। बाकी अभी चलते अपने मैच पर, बट उससे पहले एक और काम आपको करना है कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर देना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और साथ साथ फर्स्ट कमेंट में भी है, तो जहाँ से आपको सही लगे वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो वो भी कर सकते हो, देख लेना यहाँ कहीं बटन होगा नीचे, ठीक है, कर देना जल्दी से। बाकी बात कर देखो अपने मैच की, 2 बजे इस मैच की हेडलाइन, एकना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में जो मैच है वो खेला जाएगा। एंड जब लास्ट टाइम लखनऊ में मैच होना, वैसे यहाँ पर 5 में से 3 बैटिंग फर्स्ट और 2 बैटिंग सेकंड ने जीते हैं, और जनरली जो स्कोर है वो 250 से नीचे ही रहा है। मतलब जो 4 मैच हुए ना उसमें आप देखोगे 3 बार तो 200 से 250 के बीच में, 1 बार 200 से नीचे बना है। पहला मौका था जो पिछला मैच हुआ था उसमें 300 बन गया था। अब ये बात समझना कि 300 बना था तो भाई बड़ी बोल सकते हैं कि भाई बड़ी आसान पिच थी, या बोल बैटिंग के लिए बहुत बढ़िया पिच थी, नहीं ऐसा नहीं था, ठीक है। विकेट आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया 177 पर ऑल आउट हुई थी उस मैच में, साउथ अफ्रीका ने 311 बनाए थे 7 विकेट खोकर, इतनी आसानी से तो इनसे भी नहीं बने थे, ठीक है। इनके लिए बैटिंग थोड़ी सी मुश्किल होती थी, यहाँ पर बैटिंग करना ऐसा है कि भाई चैलेंजिंग तो रहता है, ठीक है। जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी ना तो जो बॉलिंग थी वो बड़ी ज़बरदस्त हो रही थी साउथ अफ्रीका की तरफ से, मतलब ये कि अगर सही से बॉलिंग होती है अच्छी लाइन लेंथ के साथ में तो दूसरी टीम बड़ी दिक्कतों में आ सकती है, ठीक है। और स्पेशली सेकंड बॉलिंग करते वक्त तो यहाँ पर थोड़ा सा और आपको फ़ायदा रहता है। बाकी आपको सब मैचेस में बोल सकता हूँ मैं, जो पिछले तीनों ही मैचेस है तीनों में आपको सेम चीज़ देखने को मिल रही है कि भाई पेसर स्पिनर्स दोनों अच्छा करते हैं, स्कोर बहुत बड़ा नहीं बनता है। अब आज के लिए इनके ऐसा, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करने आ जाती तो हो सकता है, बाकी ज़्यादा भरोसा हमें अभी के लिए तो ऑस्ट्रेलियन टीम पर देखो है नहीं। बस आज के लिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलियन टीम जीत सकती है, ठीक है, क्योंकि अब उनके लिए हर एक मैच कहीं ना कहीं वो फाइनल की तरह हो गया। बाकी अगर बात करें पिछले 4 मैच में टोटल विकेट से 28 और पेसर्स के विकेट आपको 30 देखने को मिल जाते हैं। स्पिन के फर्स्ट इनिंग में 11, सेकंड इनिंग में है 17 विकेट, क्योंकि क्या होता है कि सेकंड इनिंग में स्पिन जनरली अच्छा करती है, और हमने पिछले मैच में देखा भी कि शमसी की बॉलिंग उतनी बेहतर नहीं थी, बट जब केशव महाराज डाल रहा था वो अच्छी लाइन एंड लेंथ के साथ में तो बॉल बढ़िया जा रही थी, ठीक है, ना रन कंसीड कर रहा था साथ साथ विकेट भी निकाले 1 से 2। बाकी उसके बाद पेसर्स की बात करें तो दोनों इनिंग में विकेट जो है पेसर्स की तरफ से भाई बराबर रहते हैं। तो ये तो है कहीं ना कहीं वेन्यू की बात। अब आ जाते हैं जरा नेक्स्ट निकलकर ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 पर। तो अभी के लिए भी यही न्यूज़ है कि भाई ट्रेविस हेड नहीं खेलने वाला है, आई होप कि खेलेगा तो देखो जो ओपनिंग है ऑस्ट्रेलियन टीम की वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि मार्च भाई अभी हाल फिलहाल कुछ कर नहीं रहे हैं। 2 मैच खेला है, 0 और 7 रन पर आउट हो चुका है। बाकी बात करें डेविड वार्नर की, डेविड वार्नर का फॉर्म ठीक है, पिछले मैच में हालांकि ये भी 13 पर गए थे, बट इस मैच में रन्स बनाने के चांसेस हैं। और उसके बाद में यहाँ से स्टीवन स्मिथ है, पहले 2 मैच 74-46 और उसके बाद में यहाँ से बनाए, सॉरी 46 बनाए और यहाँ से 19 बनाए, 74 उससे भी पुराना स्कोर है। बाकी यहाँ से मार्नस लबुशन है, लबुशन अभी के लिए काफ़ी कंसिस्टेंट दिख रहा है, हालांकि उतनी बड़ी इनिंग नहीं खेल रहा है क्योंकि भाई को मौका भी नहीं मिलता है, एक साइड खड़ा रहता है पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है, ठीक है। तो वैसा ही चल रहा है अभी के लिए लबुशन के लिए, बड़ी इनिंग नहीं है बट कंसिस्टेंटली आपको 30-35 रन बड़ी आराम से बना के दे रहा है। देखोगे तो 47-42-27-46 उससे पहले भी अगर हम स्कोर देखें तो काफ़ी सही देखने को मिले हैं लबुशन की तरफ से, ठीक है। जल्दी आउट नहीं हो रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज। बाकी उसके बाद में जोश इंग्लिश है, अब इंग्लिश खिलाओ या कैरी, ऑस्ट्रेलिया को भाई यहां से कुछ ज्यादा मिल नहीं रहा है। इंग्लिश को कैरी को पहले मैच में खिलाया, जल्दी आउट हुआ, सेकंड मैच इंग्लिश खिलाया 5 रन बनाए मात्र। ग्लेन मैक्सवेल 6 नंबर पर, आई डोंट थिंक ग्लेन मैक्सवेल 6 नंबर पर उतना कुछ कारगर पिक यहां से रहता है। ग्लेन मैक्सवेल अगर 5वें पर आए, 4थे पर आए तो बढ़िया है, बट 4 तक तो लबुशन फिट है, 5 पर मैक्सवेल आ सकता है, बट उसके लिए टीम को क्या करना पड़ेगा, कैरी को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि 5वां नंबर यहाँ से इंग्लिश का भी है बैटिंग करने का।
बस यहाँ से हाँ, अब पिच पर स्पिन है हल्की फुल्की, तो मैक्सवेल एज अ बॉलर आपके लिए जरूर इंपॉर्टेंट बनता है, एज एन ऑलराउंडर समझ लो कि भाई बॉलिंग करेगा पूरे ओवर्स, और यहाँ से दूसरी टीम में वैसे भी लेफ्ट हैंडर्स भी है तो ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। तो मैक्सवेल पूरे ओवर आज आपको वापस डालता हुआ देख सकता है। बाकी मार्कस स्टोनिस है, पिछले मैच में ओवर कम ही डाले थे मार्कस स्टोनिस ने, इसमें भी कुछ वैसे ही उम्मीद रख सकते हो, बट ग्रैंड लीग में ज़रूर आप CVC कर लेना, ऑस्ट्रेलियन कप्तान का पता नहीं है। स्टोइनिस ने एक मैच एक ओवर पहले ओवर में विकेट ले लिया, उसको आगे के ओवर भी दे देगा। वैसे कुछ कप्तानी अभी के लिए पैट कमिंस की तरफ से देखने को मिली है, तो ग्रैंड लीग में ऐसा CVC जरूर आप यहाँ से स्टोइनिस को ट्राई कर सकते हो कि भाई हो सकता है डेथ में जाके वो स्लोर वंस कहीं ना कहीं काम कर जाए स्टोइनिस की। बाकी पैट कमिंस है, कुछ ज़्यादा खास अभी तक के लिए वर्ल्ड कप रहा नहीं है पैट कमिंस का, खुद की बॉलिंग से भी तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्मॉल लीग में मैं नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। स्मॉल लीग के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ से स्पेशली हेजलवुड और स्टार्क है। हेजलवुड 2 मैच में 4 विकेट, स्टार्क के 2 मैच में यहाँ से 3 विकेट है। हालांकि विकेट पिछले मैच में स्टार्क को भी जल्दी से मिल नहीं रहे थे, बट कहीं ना कहीं वो डेथ में आके जरूर इन्होंने विकेट्स निकाल लिए, शुरुआत में तो इनको भी सफलता नहीं मिली थी। बाकी उसके अलावा जेम्पा है, अब देखो अच्छी स्पिन रही है इस पिच पर, बट स्टिल जेम्पा की बॉलिंग अभी तक वो अप टू द मार्क देखने को मिली नहीं है। जिस तरीके का वो बॉलर है, जिस तरीके की इस ट्रैक पर अच्छा कर सकता है, उस तरीके की बॉलिंग जेम्पा की तरफ से नहीं रही है। पहले मैच में भी रन्स खाए, दूसरे मैच में भी इवन इसने रन्स खाए थे, आई थिंक 7-8 के तकरीबन या उससे भी हाई इकोनॉमी रेट से यहाँ से रन पड़े थे जेम्पा को। बट हाँ, स्मॉल लीग में अगर आपको रिस्क लेना है तो देखो जेम्पा के ऊपर ले सकते हो, बॉलर ख़राब नहीं है, बट अभी के लिए रिसेंट फॉर्म थोड़ा सा चिंताजनक तो है यहाँ से। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये तो है प्लेइंग 11, जिसमें अगर ओवर्स की बात की जाए तो यहाँ से स्टार्क हुआ, जेम्पा हुआ, हेजलवुड, कमिंस, स्टोइनिस, मैक्सवेल, ये बॉलिंग कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम में चेंज की उम्मीद वैसे मेरे को कम है, बट हो सकता है कि टीम वापस से यहाँ से मार्कस स्टोइनिस को हटाकर क्रिस ग्रीन को शामिल कर ले, चांस उस चीज़ के कम ही रहेंगे, क्योंकि स्टोइनिस देखो पिछले मैच में ओवर भी सिर्फ 2 ही कराए जो उसने ठीक ठाक डाले थे, बैटिंग में भाई थोड़ा अनलक रहा क्योंकि नॉट आउट था, आउट दे दिया था। बाकी अब बात करें यहाँ से बेंच प्लेयर की, तो एलेक्स कैरी है, टीम अगर इंग्लिश की जगह पर वापस से चेंज करना चाहे तो कर सकती है। बाकी कैमरन ग्रीन, सेन एबट और यहाँ से ट्रेविस हेड देखने को मिल जाते हैं, तो ये तो कुछ रहेगी भाई जो बेंच प्लेयर्स है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। हेड का यहाँ पर अलग ही कोई कन्फर्मेशन आया नहीं है, बट अगर खेलता है तो आपको पता चल जाएगा, अगर खेलता है तो मस्ट पिक रहेगा मार्श की जगह पर। और बाकी उसके बाद में अगर हम बात करते हैं जो मैं आपको बता रहा था कि भाई यहाँ से आपके लिए सुपर वॉलेट ऑफ़र, जो मैं आपको बता रहा था आप हारो या जीतो बट आपके वॉलेट में पैसा आ जाएगा, तो वो अब मिलेगा आपको सुपर वॉलेट के उसमें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है माई लेंसर को, सबसे पहले तो डाउनलोड कर लेना। अब सुपर वॉलेट यहाँ पर ऑफर है क्या, ये है कि आप जब तो 5 मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो ना, तो आपको जो रिवॉर्ड है वो आपके वॉलेट में मिलता जाएगा, ठीक है। 5 मेगा कॉन्टेस्ट आप जैसे ऐसे एक एक करके ज्वाइन करते हो, और मिलेगा कहाँ, क्योंकि लोग बोल रहे थे देखो मैं जितने भी ऑफर्स बताता हूँ आपको मिलते नहीं है, तो ये वाला ऑफर आप जब रजिस्टर कर लोगे नीचे दिए गए लिंक से, तो यहाँ पर एक ऐसा गिफ्ट वाला आइकन आ जाएगा, ठीक है, वह जाके आप अपने ऑफर को एक्टिवेट कर सकते हो, एक्टिवेट करने पर होगा, तो ध्यान रखना। आप जब 5 मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करोगे आपको यहाँ से मतलब एक तरीके से ज्वाइन भी कर रहे हो, पैसा वापस भी मिल रहा है और बड़े बड़े प्राइजेस जीतने का मौका भी मिल रहा है, ठीक है, एक तरीके से फ्री में ही हो गया देखो बड़े प्राइज जीतने का, और बड़े प्राइज से मेरा मतलब है बहुत बड़े प्राइजेस, क्योंकि कैश भी मिल रहा है ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक पर, साथ साथ जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो ना सभी है, थार हुई, SUV, बुलेट हुई, भाई 1 करोड़ का कैश भी है, साथ ही साथ यहाँ पर और बड़े प्राइजेस मतलब कि लंदन टिकट, दुबई टिकट, ऐसी भी आपकी चीज़ें ट्रिप के टिकट्स मिल रही है, ठीक है, और बाकी साथ साथ 20% एक्स्ट्रा कैश भी है। देखो कितनी सारी चीज़ें बता दिया मैंने साथ साथ करके, ठीक है, तो फटाफट से जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में माइलन सर्कल का लिंक दिया है, और ये ऑफर जल्दी एक्सपायर हो जाएगा, तो जब भी आप देखो वीडियो फटाफट से जाओ और डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, और जो ऑफर को एक्टिवेट करने का तरीका मैंने बताया उससे कर लेना। बाकी अभी आते हैं जरा अपना नेक्स्ट निकल कर यहाँ से श्रीलंका की तरफ से जो प्लेइंग 11 रह सकते हैं, सबसे बड़ी न्यूज़ यही है कि शनाका यहाँ से है नहीं, ठीक है, दशुन शनाका रहेगा नहीं, कुशल मेंडिस को टीम ने कप्तान बना दिया है। अब वैसे मेरे को लगता नहीं शनाका को इंजरी है, वो थोड़ी सी टीम की अंदरूनी बातें जो चल रही थी, बट ठीक है जैसा भी है, अभी के लिए शनाका वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, कुशल मेंडिस बन गया कप्तान, और शनाका की जगह पर जो चेंज है वो है चमिका करुणारत्ने, ठीक है, भरोसेमंद प्लेयर नहीं है, कभी बहुत अच्छा कर जाता है, कभी बहुत ख़राब करके जाता है, उस तरीके का प्लेयर है, तो जेएल के लिए ठीक रहेगा। बाकी अगर बात करें शुरुआत से तो पातुम निशान का, और यहाँ से कुशल परेरा भी कुछ ज़्यादा खास कर नहीं रहे, तो आई थिंक आज के लिए जो पहला चेंज होगा वो होगा करुणारत्ने टीम में आ सकते हैं,
इन केस अगर फुली फिट है तो, क्योंकि कुछ ऐसी न्यूज़ थी उड़ती उड़ती रूमर्स कि भाई ये फिट नहीं है, बट अगर हुआ तो खेलेगा। जो मेरे को लगता है कुशल परेरा लगातार 2 मैच से फ्लोप यहाँ पर हो चुके हैं, कुछ ज़्यादा अच्छी फॉर्म उनकी चल नहीं रही है, तो इस वजह से तो करुणा रत्ने हो सकता है मौका मिल जाए या वापस से टीम कुशल परेरा के साथ में स्टिक कर सकती है। बाकी अभी के लिए अपने लिए दोनों खेलते हैं, दोनों ही थोड़ा सा रिस्की रहेंगे। स्मॉल लीग के लिए जो बैटर पिक है वो बाथुम निशान का ही बनता है, पहले भी सेंचुरी मार चुका है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पिछले मैच में 51 बना कराया। बाकी कुशल मेंडिस के बारे में कहने की जरूरत है नहीं, आज के लिए भी वही भाई मस्ट पिक है, एज अ सीवीसी ऑप्शन बनता है, अच्छी फॉर्म में चल रहा है, रन वापस बना सकता है। अगेन ऑस्ट्रेलिया भी रन बनाए हुए कुशल मेंडिस ने। बाकी समारा विक्रमा एक बार चलता है 3-4 मैच में, ठीक है, बट अच्छा चलता है। ग्रैंड लीग में करना हो तो कर लेना, अब देखो पिछले मैच में रन बना दिए, मेरे को इस मैच में लिटरली भरोसा नहीं है समारा विक्रमा के ऊपर। चरित असलान का है, 1 रन बनाया, उससे पहले 79 फिर 49, कंसिस्टेंट रहता ही नहीं है प्लेयर एक तो। बाकी यहाँ से धनंजय डी सिल्वा इम्पोर्टेंट बनेगा, क्योंकि बॉलिंग के भी ओवर्स डालेगा 4 से 5, जिस तरीके की अभी बॉलिंग रही है 4 से 5 की उम्मीद है, क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक पर भी बॉलिंग ज़्यादा मिल नहीं रही है धनंजय डी सिल्वा को, ठीक है। और सामने लेफ्ट हैंडर्स होते हुए भी आज के लिए तो है भी नहीं, सिर्फ यहाँ से शुरुआत में वही रहेगा डेविड वॉर्नर। उसके बाद में ये है देखो धनंजय डी सिल्वा इम्पोर्टेंट बन के आता है, चमिका करुणा रत्ने एक थोड़ा सा सरप्राइज पैकेज आज के लिए रह सकता है अगर आप पिक करते हो तो। उसके बाद में दुनित वेला लगे हैं, रिकॉर्ड वेला लगेगा बहुत बढ़िया। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, वेला लगे ने जितने भी ओडीआई अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेले हैं कभी भी विकेट लेस हो गया ही नहीं है, हर मैच में 1 से 2 विकेट निकाले ही निकाले, कभी भी वेला लगे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया विकेट लेस नहीं रहा है। उसके अलावा यहाँ से तीक्ष्ण है, 1-1 विकेट के साथ में अभी चल रहा है। उसके अलावा यहाँ से पथिराना बहुत ही ज़्यादा खराब बॉलिंग रही है, 1-1 विकेट हालांकि मिल गया बट वही के 2-3 पॉइंट भी माइनस करा है। बाकी मधुशंका ऑब्वियसली यहाँ से सेफ बनता है क्योंकि नई बॉल के साथ में अच्छा कर रहा है और जिस तरीके की फॉर्म मिचेल मार्श की चल रही है हो सकता है भाई जल्दी आउट हो जाए, ठीक है, चांस जरूर रहेगा। हालांकि मिचेल मार्श से मेरे को थोड़ी सी उम्मीदें जरूर है आजकल रन बनाने की, पर बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यह है श्रीलंका की तरफ से जो प्लेइंग 11। ओवर्स कौन कौन कराएगा, देखो मधुशंका है, पथिराना है, तीक्ष्ण है, वेला लगे है, उसके बाद में धनंजय डी सिल्वा, ये तो जाते भाई अपने 5 बॉलर्स। छठा बॉलर हो गया यहाँ से करुणा रत्ने, तो ये जो 6 बॉलर्स है ये आपको बॉलिंग कराते हुए दिख सकते हैं, जिसमें डी सिल्वा और करुणा रत्ने जो मिलकर 10 कराएंगे और बाकी यहाँ से वेला लगे, तीक्ष्णा, पथिराना और मधुशंका अपने पूरे पूरे ओवर डालकर जा सकते हैं। अब आते हैं उसके बाद में जरा हम नेक्स्ट निकलकर बेंच प्लेयर श्रीलंका के कुशल परेरा रहते हैं, लहिरू कुमारा, रजिता, हेमंता है। अब यहाँ से पथिराना की भी जगह मेरे को पक्की लगती नहीं है, क्योंकि जो जिस काम के लिए पथिराना है डेथ बॉलिंग बेहतर करने के लिए, वहीं पर पथिराना को सबसे ज़्यादा रन पड़े हैं 2 मैचेस में, ठीक है। कसुन रजिता, लहिरू कुमारा कोई एक हो सकता है यहाँ से रिप्लेस कर दे, और जो भी रिप्लेस करता है वो आपकी स्मोलिक टीम के लिए ठीक प्लेयर यहाँ से बन के आते हैं, क्योंकि कसुन रजिता भी ओडीआई अच्छा खेलता है, लहिरू कुमारा वैसे ही काफ़ी कंसिस्टेंट देखने को मिलता है, ठीक है। कुशल परेरा आप देखोगे तो पिछले 5 इनिंग से 3 बार 0 पर आउट हो चुका है। उसके बाद में आते हैं वेन्यू स्टैट्स, श्रीलंका ने इस ग्राउंड पर कभी भी कोई भी मैच नहीं खेला है, उनका रहेगा पहला मैच, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 1 मैच खेला है जो उनका पिछला मैच रहा था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जिसमें कि अगर रन्स की मैं बात करूँ किसने बनाए थे, सिर्फ एक लघुशन के 46 थे, उसके अलावा तो स्टार्क कमिंस की तरफ से 26-27 रन्स थे, बाकी स्टार्क के 2 विकेट थे, मैक्सवेल के 2 विकेट थे और 1-1 विकेट हेजलवुड, पैट कमिंस और एडम जेम्पा का देखने को मिला था। तो यहाँ पर आ जाती है भाई पूरी कहानी, सिर्फ वेन्यू की सिमट जाती है। अब सीधा आते हैं हेड टू हेड के ऊपर, 102 मैचेस हो चुके हैं जिसमें 63 जीते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, 35 जीते हैं आशा श्रीलंका ने, 4 मैच ऐसे हैं जो इन दोनों टीम्स के बीच में नो रिजल्ट रहे हैं। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया की टीम आगे है, बट अभी अगर मैं फॉर्म के हिसाब से देखूं तो दोनों टीम एक ही जगह खड़ी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की भाई यहां से जो है बैटिंग नहीं चल रही है, इनकी बॉलिंग नहीं चल रही है, ये 350 बनाने के बाद भी हार जा रहे हैं और ये बना ही नहीं रहे। बाकी उसके बाद मेरे को हेड टू हेड लीडर्स की बात करें तो यहाँ से सबसे पहले नाम आता है वॉर्नर का, 35 का एवरेज है, काफ़ी ठीक ठाक सा है, बहुत अच्छा भी नहीं बट ठीक है। कुशल मेंडिस 11 मैच में 453 रन से 50 के एवरेज के साथ में, जैसा हम आपको बोला कि कुशल मेंडिस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया रन बनाता है। बाकी स्टीवन स्मिथ 10 मैच में 385 रन है 38.50 के एवरेज के साथ में, मैक्सवेल 11 मैच में 362 है 40 का एवरेज है मैक्सवेल का भी, बाकी धनंजय डी सिल्वा 10 मैच में 273 रन 30 का एवरेज है, वहीं पाथुम निशानका का एवरेज है भाई यहां से 44 का, बट मैं आपको बता दूं पाथुम निशानका ने 5 इनिंग में से रन 1 इनिंग में बनाए जिसमें उसने 137 मार दिए थे,
ठीक है। और बाकी यहाँ से कुशल परेरा 10 मैच में मात्र 192 24 का एवरेज है। एक और रीज़न आपके पास में कुशल परेरा को ड्रॉप करने का, बट हिट और मिस टाइप है। इनकेस अगर खेलते हो तो किसी एक ग्रैंड की टीम में CVC कर सकते हो, ज़्यादा में मत करना, क्योंकि कुशल परेरा चाहे रिकॉर्ड खराब है बट अगर मारने लगा तो रुकेगा नहीं। स्मॉल लीग में रिस्क लेकर उतना कोई फायदा नहीं है कुशल परेरा के ऊपर, बट ग्रैंड लीग में ज़रूर आप रिस्क ले सकते हो। और उसके बाद में आता है चरित असलान का, 5 मैच में 187 46 के एवरेज के साथ। मैं अभी इनिंग वाइज देखेंगे ना तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये 187 रन में कितने अच्छे स्कोर है और कितने बार ये जीरो पर आउट हुआ है। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो मिचेल स्टार्क के बहुत ही ज़्यादा विकेट्स है, ऑलमोस्ट डबल, 14 मैच पर 27 विकेट्स हैं, 25 का स्ट्राइक रेट, 18 का एवरेज बहुत ज़्यादा बढ़िया है। उसके अलावा पैट कमिंस 5 मैच में 10 विकेट है, धनंजय डी सिल्वा ने 9 मैचेस में 10 विकेट निकाले हैं। बट ये भी ध्यान रखना, अगर आप एवरेज स्ट्राइक रेट देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा ठीक है, और इसका मतलब ये है डी सिल्वा ने ओवर्स मोस्टली टाइम्स पूरे नहीं कराए हैं, ठीक है। हर बार वो कहीं ना कहीं थोड़े ओवर्स कम है। बाकी एडम सैंपा 5 मैच में यहाँ से 9 विकेट्स के साथ में, विला लगे की बात करें देखो 5 मैच में 9 विकेट है विला लगे के नाम, जिसके आप उम्मीद कर नहीं रहे थे ज़्यादा कि भाई विला लगे ना 9 विकेट निकाल देंगे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। वो भी अभी उतने ज़्यादा मैच विला लगे ने खेले भी नहीं है। चमिका करुणारत्ने के भी 5 मैच में 5 विकेट्स हैं, बाकी हेजलवुड 7 मैच में 5 विकेट के साथ में। हेजलवुड और यहाँ से मैक्सवेल दो ऐसे प्लेयर जो ज़्यादा कुछ खास अगेंस्ट श्रीलंका अभी तक नहीं कर पाए हैं, तो आज आपको पता है कि अगर रिस्क लेना है आपको ग्रैंड लीग में तो हेजलवुड और मैक्सवेल को ड्रॉप करके ले सकते हो। स्मॉल लीग में तो हालांकि उतना बड़ा रिस्क लोगे तो कहीं ना कहीं वो बैकफायर कर सकता है, बट ग्रैंड लीग के लिए रिस्क समझ गए ना कि भाई हेजलवुड मैक्सवेल ड्रॉप कर सकते हो आज के लिए ग्रैंड लीग की टीम में। बाकी अगर बात करें देखो सीधा इनिंग वाइज पर, तो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की टीम से सबसे पहले बात करते हैं। एक आपको मैं यहाँ से बता देता हूँ कि आज के लिए जैसे पिछले मैच है जब न्यूजीलैंड का मैंने बताया था, तो फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग में आपको बता रहा था कि भाई ये बेहतर करता है नहीं करता जैसे बोल्ट वगैरह, बट आज के लिए ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका वाले मैचेस में क्या है ना, इनके जो पिछले 6 मैचेस हैं सब में एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ से ना बैट सेकंड ही किया है, ठीक है। मोस्टली मैचेस में आपको दिखेगा कि ऑस्ट्रेलिया ने बैट सेकंड किया है, तो ऐसा सच कोई भी फर्स्ट और सेकंड बैट का यहाँ से डिफरेंस आता नहीं है। अब ये ना आप एक तरीके से रीसेंट फॉर्म समझ सकते हो कि हेड टू हेड में भाई कैसा किया हुआ है प्लेयर्स ने। लखनऊ का मैंने यहाँ से नॉट अवेलेबल लिखा है, वो आपने एक मैच पिछला जो था उसके स्कोर देख ही लिए। वार्नर की बात करें देखो 99 बनाए, 37 बनाए, बाकी मैच में कुछ ज़्यादा खास यहाँ से वार्नर ने किया नहीं। एक में 26 भी बना दिया था, वरना तो भाई यहाँ से 6 में से 3 मैच में फ्लॉप रहा है वार्नर पिछले 3 में से। उसके अलावा मिचेल मार्श की बात करें, मिचेल मार्श की तरफ से 24 26 10 और 4 का स्कोर ही रहा है अभी तक। मिचेल मार्श ने भी कुछ ज़्यादा खास किया नहीं, वार्नर फेवरी थोड़ा 50-50 टाइप है। स्टीवन स्मिथ की बात करें, स्मिथ की तरफ से आप देखोगे तो पिछले 6 इनिंग और 6 के 6 इनिंग में रन्स यहां से देखने को मिले हैं स्टीवन स्मिथ की तरफ से, 28 30 53 58 73 72, मतलब हर मैच में स्टीवन स्मिथ की तरफ से रन्स आए हैं यहां पर। तो बिल्कुल भाई आज के लिए एक कहीं ना कहीं CVC ऑप्शन बनता है, स्पेशली बैट फर्स्ट करते हुए तो काफ़ी ज़्यादा। उसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल है, ग्लेन मैक्सवेल की तरफ से पहले तो भाई रन्स थे, बट पिछले 2 इनिंग जो मैक्सवेल ने खेली है अगेंस्ट श्रीलंका उन दोनों में तो नहीं है, बट उससे पहले 33 46 80 और 30 का स्कोर मैक्सवेल की तरफ से देखने को मिला है। वहीं मैक्सवेल की अगर हम बॉलिंग की बात करें, 6 मैचेस में से मैक्सवेल ने 4 मैच ऐसे हैं जिसमें एक एक विकेट निकाला है, और बाकी 2 मैच ऐसे हैं जिसमें कि मैक्सवेल विकेट लेस रहा है। अब आते जरा नेक्स्ट निकल कर पैट कमिंस के ऊपर। पैट कमिंस की बॉलिंग अच्छी रही है, 5 मैच में 10 विकेट आपने देखे भी थे कमिंस के, तो 2-2 विकेट 4 विकेट, मतलब पिछले 3 मैच में कुल मिलाकर कमिंस जो है अगेंस्ट श्रीलंका यहाँ से 8 विकेट्स निकाल चुका है पिछले 3 में ही, बाकी उससे पहले भी 2 मैच है जिसमें एक में विकेट लेस एक में 2 विकेट है। हेजलवुड की बात करें तो हेजलवुड ने भाई विकेट निकाले हैं सिर्फ यहाँ से एक एक ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है। जैम्पा की बात करें, जैम्पा ने 3 विकेट 2 बार निकाले, एक बार 2 विकेट है और एक बार विकेट लेस और एक बार 1 विकेट के साथ में, तो मतलब ओवरऑल बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा सही रही है जैम्पा की। मिचेल स्टार्क का तो भाई क्या ही कहना, मिचेल स्टार्क के विकेट्स भी आपने देखे, और एक और चीज़ आप देखोगे कि 6 में से 3 बार ऐसा है जब मिचेल स्टार्क ने 3-3 विकेट निकाल दिया, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया बॉलिंग है, और एक बार ऐसा है जब 4 विकेट है, एक बार ऐसा है जब 2 विकेट है, सिर्फ एक बार ऐसा मौका आया है पिछले 6 मैचेस में से जब उसके नाम 1 विकेट रहा है, वरना हर मैच में 3 से 4 विकेट रहे हैं। मिचेल स्टार्क एज अ वाइस कैप्टन ऑप्शन आपके लिए बन चुके हैं, ठीक है। जैम्पा कहीं ना कहीं लेकर चल सकते हो, रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा ठीक है, पिच मदद तो कर रही है जैम्पा को, बट उतनी खास बॉलिंग नहीं दिखी है, बट हाँ थोड़ा रिस्क लेकर जैम्पा रख सकते हो आज के आप टीम में। श्रीलंका की बात करें, पाथुम निशान का देखो मैं आपको बोल रहा था कि पाथुम निशान का 5 मैच तो खेला है, बट उन 5 में ना सिर्फ 2 ही मैच ऐसे हैं जिसमें उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पर रन बनाए, एक बार 56 बनाए थे और एक बार 137, बाकी के 3 मैच
फ्लॉप ही देखने को मिला है। उसके अलावा कुशल मेंडिस है, जैसे आपने स्टीवन स्मिथ के रन्स देखे वैसे ही आप देख रहे हो कुशल मेंडिस ने भी हर मैच में अगेंस्ट यहाँ से ऑस्ट्रेलिया रन्स बनाए हुए हैं, चाहे थोड़े ही बनाए, 30-30 ही बनाए, बट भाई बनाए तो हुए हैं। उसके अलावा कुशल परेरा है, इन्होंने ना 2 इनिंग तो बढ़िया खेल रखी है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, एक बार 52 बनाए, एक बार 54, बाकी के 4 मैच एकदम निलबटे सन्नाटा है, 1, 6, 14, 11 का स्कोर रहा है सिर्फ। बाकी धनंजय डी सिल्वा लास्ट टाइम 60 बनाए थे, उससे पहले 25, उससे पहले 34 है, एक बार और 34 का स्कोर देखने को मिला है। हाँ, यहाँ पर आप एक चीज़ कंफर्म कर सकते हो भाई, स्पेशली फर्स्ट बैटिंग कर तक धनंजय डी सिल्वा का स्कोर थोड़ा ठीक देखने को मिला है। उसके अलावा धनंजय डी सिल्वा की हम बॉलिंग की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ठीक देखने को मिली है। पिछले 6 में से 4 मैच ऐसे हैं जिसमें डी सिल्वा ने 2-2 विकेट निकाल दिए, और एक मौका ऐसा है जब 1 विकेट था, एक बार विकेट लेस रहे, तो बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिली है डी सिल्वा की तरफ से। तो पिछले 2 मैच की बदौलत रिस्क मत लेना ड्रॉप करके। वहीं अगर बॉलिंग की चरित असलानका की बात करें, असलानका ने 1 मैच में बनाए हैं 110, 1 में बनाए हैं 37, बाकी के 3 मैच असलानका खराब खेला है 5 में से। विलालगे को देखोगे तो 1 मैच में तो भाई 3 विकेट, 2 मैच ऐसे हैं जिसमें 2-2 विकेट से, और 2 मैच ऐसे 1-1 विकेट है। जैसा मैंने बोला, विलालगे पिछले 5 मैच में 5 ही खेले इसमें अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और 5 मैच में से एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब वेला लगे विकेट लेस गया हो। फिर आती है बारी करुणा रत्ने की, ये थोड़ा सा परफॉर्मेंस करने में बेकार रहा है, बट जैसा हम बोला थोड़ा सरप्राइज पैकेज की तरह है, चल भी बहुत अच्छा सकता है और फ्लॉप तो होने के चांस हमें वैसे ही लग रहे हैं। करुणा रत्ने पिछले 6 मैच में से 2 में विकेट लिया, बट जब विकेट लिया है तो 1 बार 2 विकेट और 1 बार 3 विकेट था, वरना भाई सीधा विकेट लेस ही गया है। बाकी आज के लिए मेरे को वही है, थोड़ा सरप्राइज पैकेज वाली उम्मीद रहेगी। ग्रैंड लीग में मैं ज़रूर ट्राई करूंगा करुणा रत्ने को, स्मॉल लीग में तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। वहीं अगर बात करें प्लेयर बैटल की, कुशल मेंडिस अगेंस्ट मैक्सवेल 2 बार आउट हो चुका है, बट 76 बॉल में तो उतनी ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। वहीं डेविड वॉर्नर अगेंस्ट धनंजय डी सिल्वा, ये बड़ी दिक्कत आने वाली है, 41 बॉल में 3 बार आउट हो चुका है। मिचेल मार्श अगेंस्ट विलालगे 26 बॉल में 2 बार आउट हुआ है मात्र 15 रन बनाकर। मार्नस लबूशन भी अगेंस्ट विलालगे 37 बॉल में 2 बार आउट हो चुका है मात्र यहाँ से 24 रन बनाकर। तो ऑस्ट्रेलियन टीम अगेंस्ट विलालगे, अगेंस्ट तीक्षणा, अगेंस्ट धनंजय डी सिल्वा एक भाई टेस्ट तो रहेगा यहाँ से। वहीं अगर अपनी बात करें आज के लिए स्मॉल लीग टीम की, टीम में मैंने यहाँ से रखा हुआ है कुशल मेंडिस को, बैटर सेक्शन में लबूशन है, वॉर्नर है, स्मिथ है, और उसके बाद में मैंने यहाँ से थोड़ा सा रिस्क लेकर पाथुम निशानका के साथ में गया हूँ। बाकी चाहो तो असलानका वगैरह भी ले सकते हो, बट पाथुम निशानका का चांस जो है थोड़े से ज़्यादा बेटर है रन बनाने के। बाकी धनंजय डी सिल्वा है, मैक्सवेल को रखा है, उसके बाद में स्टार्क है, हिजलवुड है, जैम्पा है और मधुशंका। आप देखोगे मैंने जैम्पा और स्टार्क दोनों को रख लिया, मैं चाहता तो यहाँ पर पैट कमिंस भी है लेना, बट कहीं ना कहीं वो फॉर जो टीम है वो थोड़ी सी बेकार हो जाएगी। और अगर आप मिनी ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो आप उस टीम में ज़रूर रिस्क ले सकते हो, भाई हेजलवुड को हटाकर आप यहाँ से पैट कमिंस को ले लो। अब बस दिक्कत यही है, मिनी जेल में ट्राई करने को क्यों बोल रहा हूँ, हेजलवुड अभी के लिए फॉर्म में और पैट कमिंस नहीं है, ठीक है। आज के रिकॉर्ड हालांकि थोड़ा सा उल्टा कहते हैं, बट अभी के लिए वो प्लेयर रखना ज़्यादा बेटर है जो आपके लिए फॉर्म में चल रहा है, क्योंकि वो भी 1 से 2 विकेट निकाल सकता है अगेंस्ट श्रीलंका। बाकी कैप्टन की बात की जाए, कैप्टन हमने किया स्टीवन स्मिथ को, वाइस कैप्टन में वैसे तो मैक्सवेल के साथ में गया हूँ, बट 2 ऑप्शन है आपके पास में वाइस कैप्टन के, एक तो है स्टार्क और एक है यहाँ से धनंजय डी सिल्वा, ठीक है। ये 2 ऑप्शन आपके पास बनकर आते हैं जिनको आप एज वाइस कैप्टन अगर ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। स्टार्क सेफ है, कुशल मेंडिस एक ऑप्शन है जो कि सेफ बनता है, धनंजय डी सिल्वा वो है जो भाई थोड़ा सा रिस्की रहेगा आपकी टीम के लिए एज वाइस कैप्टन। तो ये जाती है आज के लिए टीम एंड सब चीज़ें। बाकी आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, और अगर कुछ सीखा तो बहुत बढ़िया, उसके अकॉर्डिंग आप टीम बनाओ और बहुत बढ़िया तरीके से विन करो ग्रैंड लीग वगैरह की टीम्स सारी चीज़ें। एंड हाँ, एक और मैं आपको बात बता दूं कि मैच से 1 घंटे पहले लाइव भी आते हैं, जहाँ पर पिच रिपोर्ट हुई या कोई भी चीज़ है वो सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो मैच से 1 घंटे पहले का अलार्म लगा लो एंड आ जाना लाइव में, ठीक है। ग्रैंड लीग टीम्स आपके साथ में बनाएंगे। बाकी अभी के लिए वीडियो के लिए ऑल द बेस्ट, आई होप आप इस मैच को बहुत बढ़िया जीतो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट शो में बहुत ही ज़्यादा जल्द।